लुपजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। 25 सितंबर 12:30 बजे यानी कि आज 12:30 बजे चुनाव आयोग बिहार में चुनावी बिगुल बजा सकता है और आज वो ये ऐलान कर सकता है कि बिहार में कब होने वाले हैं इलेक्शंस, कब होने वाली है वोटिंग, और इसी के साथ साथ वो ये भी बता सकता है कि कब बिहार की जनता ये तय करेगी कि बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। आपको ये भी बताते चलें कि 2015 में आखिरी बार विधानसभा बिहार में हुए थे, विधानसभा चुनाव बिहार में हुए थे, और अब 2020 में होने जा रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों में बिहार की जनता ने बहुत कुछ देखा। जेडीयू के ही मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, लेकिन पार्टी बदल बदल के, जी हाँ, उन्होंने शुरुआत जो जीतने की थी वो महागठबंधन के साथ की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने पाला बदलते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। लेकिन इस बार दोनों ही गठबंधनों के लिए, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों के लिए ही मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं और दोनों के लिए जीत का जो रास्ता है वो बहुत आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन से जो रालोसपा जो है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, वो मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि उसने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर महागठबंधन एनडीए के खिलाफ चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ता है तो जीतना बेहद मुश्किल होगा। तो वहीं दूसरी ओर एलजेपी के जो प्रमुख है चिराग पासवान, वो एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिहार में जो विधानसभा सीटों का जो चुनाव होना है उसमें वो उनको जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो क्या दोनों ही, चाहे वो रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर एलजेपी के जो चिराग पासवान हो, क्या दोनों की मंशा मुख्यमंत्री बनने की है, ये भी देखा जाएगा। लेकिन इस बार आरजेडी के लिए मुश्किलें ये भी हैं कि पिछली बार तो लालू प्रसाद यादव ने खूब चुनावी दौरा किया था और आरजेडी के लिए वोट भी मांगे थे और आरजेडी एक ऐसी पार्टी बनी थी जिसे सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में नहीं होंगे और वो चुनावी प्रचार में शायद ना हो। लेकिन इसके साथ साथ आरजेडी के लिए बड़ा झटका ये भी है कि रघुवंश बाबू, उनके बेहद करीबी और सबसे पार्टी के वरिष्ठतम नेता जो हैं, वो इस बार नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, और इसीलिए आरजेडी के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि रघुवंश बाबू के चेहरे पर वो इस बार वोट भी मांगे, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से कंटेनमेंट कोरोना काल में किया गया है वो उसमें वो फेल पाए गए हैं, और इसके अलावा सुरक्षा को लेकर और बिहार के विकास को लेकर, बाढ़ को लेकर, कोरोना को लेकर, ये तमाम मुद्दे होंगे जो इस बार बिहार की राजनीति में छाए होंगे। और इसके अलावा जो सबसे प्रमुख मुद्दा होने वाला है वो होने वाला है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। जी हाँ, पटना के ही रहने वाले थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, और इस बार ये भी मुद्दा गर्मा सकता है कोरोना काल में। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार के मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं, हमें ज़रूर बताइए। और इसके अलावा बात करते हैं अगर चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने कोरोना काल में बहुत पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग बिहार के भ्रमण पर था, वहाँ के नेताओं से, आम लोगों से, कस्बों में, ज़िलों में, अलग अलग शहरों में वहाँ पर घूमे और इस तरीके से जाँच की कि ये पता चले कि अगर वोटिंग की जाती है कोरोना काल में, लोगों को अगर पोलिंग बूथ पर बुलाया जाता है तो कौन कौन से पुख्ता इंतजाम होने चाहिए इसके लिए, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, और पूरे जो बूथ है उसे सैनिटाइज किया जाना चाहिए, इस तरह की बातें सामने आई हैं। आपको बता दें कि 12:30 बजे लेकिन ये पता चल जाएगा कि बिहार में बाहर किसकी आती है और इसके अलावा बिहार में किस तरीके से वोटिंग पैटर्न होगा, इस बार कोरोना काल में लोग किस तरीके से वोट डालेंगे, कितने कितने फेजेस में डालेंगे और कौन सी तारीख को, ये समझ में आ जाएगा बिहार की जनता को कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। बिहार में 7 करोड़ से ज़्यादा की जनता है और वो 7 करोड़ की जनता इस बार किसको वोट देती है, किसके माथे पर वो सहरा बांधने वाली है जीत का, ये भी देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा।